हेलो फ्रेंड्स, आप लोग स्वागत है एक नया रिएक्शन में। और आज रणवीर 34 का सेकेंड ट्रेलर आया है और इसका स्टार कास्ट है अजय देवगन, अमिताभ बच्चन एंड राकुल प्रीत। और ये एक इंस्पायर ऑन ट्रू इवेंट बेस्ड ये मूवी होने वाला है और इसका सेकेंड ट्रेलर आया और इसमें द यूट्यूबर करीम नाटी भी होने वाला है। तो क्या ये सेकेंड ट्रेलर में उसका फेस है कि नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ट्रेलर में उसका फेस नहीं था, इसमें है कि नहीं वो देखने चलता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि क्या कैसा इस टेलर है। अल्लाह इंस्पायर बाय ट्रू इवेंट हो, इंस्पायर मतलब किसी की हो, मौसम खराब हो या कुछ भी हो, गलती तो सिर्फ पायलट की है। 314 फैसले लिए थे आपने उस रोज, अगर उसमें तो आज हम यहाँ मौजूद नहीं होते। लेकिन फिर भी गलती तो सिर्फ पायलट की है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन विक्रांत खन्ना, सिट बैक रिलैक्स एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर फ्लाइट। एआईबी का काम गलती ढूंढना है, गलती करना नहीं। आप में से जो जो पायलट है वो खड़े रहे, बाकी सब बैठ जाइए। सवाल बेबुनियाद है, ये भी आप ही डिसाइड करेंगे। हमने जो कुछ भी किया एसओपी के दायरे में किया। आई डोंट हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस सर। क्या जमीन से 35,000 फीट ऊपर फीलिंग्स नहीं, कैलकुलेशंस चलते हैं। आई नो व्हाट्स बदरिंग यू, बट आई लव हाउ द मीडिया इज ट्रीटिंग योर पायलट। कुछ समय के लिए पायलट जो है वो यात्रियों के लिए उस भगवान की तरह हो जाता है जिस पर वो आंख मूंद कर अपना भरोसा करते हैं। डिड यू चूज रनवे 34? इंसान जब मिलकर गलती करते हैं ना, तो इट्स अ श्योर शॉट रेसिपी फॉर डिजास्टर। पता नहीं मां, कभी कभी मन करता है सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं। आपकी कंपनी की पॉलिसीज में अच्छी तरह समझ चुका हूँ, अगर पायलट बच गया तो पायलट पे ब्लेम डाल दो, और अगर मर गया तो पायलट को ब्लेम तो करना है। पूरा प्योर एकदम डायलॉग बाजे पूरा एकदम अच्छा है। ये तो ट्रेलर बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इसका जो डायलॉग डिलीवरी बहुत ही हद तक बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही होता ना एक कन्विंसिंग लगा। और इसमें करीम नाटी के अलावा 3 या 4 जगह पर सीन है, मेकर को पता चल गया है कि किसको दिखाना है। ट्रेलर वन में करीम नाटी थोड़ा सीन था, वो भी मतलब ढूंढने में मिल रहा था, और इसमें एकदम प्रॉपर दिया और एक डायलॉग भी दिया है। तो इससे मतलब करीम नाटी के फैन को एक अच्छा फीलिंग आएगा कि चल भाई करीम नाटी एक अच्छा इसमें सीन है और इसमें अच्छा दिख रहा है। और इसमें अजय देवगन का डायलॉग डिलीवरी वो बहुत ही अच्छा है, और अमिताभ बच्चन का एक्टिंग क्या मस्त लग रहा है इसमें, मतलब धमाल मचाने वाला है ये मूवी। आई थिंक अगर अच्छे से इसको रिलीज किया जाए ना, ये मूवी बहुत ही अच्छा कैपेसिटी और पोटेंशियल वाला मूवी है। और ये इंस्पायर इन ट्रू इवेंट है, मतलब वो इवेंट का जो है ना उसको देख कर इंस्पायर किया है, मतलब उसको जैसा ही मूवी नहीं है, मतलब बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट नहीं है। बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट मतलब उस जैसा ही बनाना, और इंस्पायर मतलब उससे इंस्पायर होकर बनाया है, ये आप लोग समझ लो ना। तो इंस्पायर इन मतलब वही है कहकर उसे दिमाग में नहीं रखना, तो ये इंस्पायर बाई ट्रू इवेंट है, मतलब उससे देखकर ये मूवी को थोड़ा प्लॉट बनाया है और ये मूवी का स्टोरी लिखा है। तो इसमें सबसे अच्छा मुझे क्या लगा, अजय देवगन का एक्टिंग एक नंबर, क्या बवाल और क्या उसका चेहरा में दिख रहा है एक्टिंग भाई। और उसके बाद में राकुल प्रीत का बहुत ही जगह पर अच्छा उसका डायलॉग था और बहुत ही कन्विंसिंग डायलॉग था। और उसके बाद में अमिताभ बच्चन कमाल ही कर दिया, मतलब बवाल मचा दिया भाई, क्या मजा आया। और उसके बाद में बूमर ईरानी के भी जो फेस एक्सप्रेशन और जो उसका एक दो डायलॉग है ना, मज़ा आ गया। और जो इसमें फ्लाइट के भीतर को था ना अंदर का इन्फॉर्मेशन, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब होता है ना एक कन्विंसिंग किस्म की इसका स्टोरी लग रहा है। और करीम नाटी तो मज़ा ही आ गया, उसका 3 या 4 जगह पर उसका सीन है और थोड़ा थोड़ा सीन है और उसका एक डायलॉग भी है, मतलब वो देखकर मजा आ गया। चल भाई एक अच्छा ट्रेलर, प्रॉपर ट्रेलर निकाला है। तो ये ट्रेलर को तो मैं 4.5 out of 5 दूंगा, क्यों, क्योंकि ये 2 मिनट का है और 2 मिनट में बहुत ऐसी चीज़ दिखा दिया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा कमेंट कीजिए, और आप लोग देखना ये ट्रेलर तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाकर देखिए। और आप लोगों को अगर नहीं अच्छा लगा वो भी कमेंट कीजिए क्यों अच्छा नहीं लगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों धन्यवाद।